नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल जो होते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, चाहे वो रिमोट में पड़ता हो चाहे वो घड़ी में पड़ता हो। जो घड़ी या रिमोट में जो सेल पड़ते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, हम लोग उन्हें फेंक देते हैं। तो उन्हें फेंकना नहीं है, दोबारा से उन्हें जो है रिचार्ज किया जा सकता है और लंबे समय तक भी यूज किया जा सकता है। तो आज वही तरीका हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दो एवर रेडी के सेल हैं और ये सेल जो हैं बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुके हैं, इनमें बिल्कुल करंट नहीं है। और जो है ये मेरे पास एक एलईडी का पैनल है, 3 एलईडी का, और एक छोटा सा ये बल्ब है झालर का। तो ये 3 वोल्ट पे एलईडी जलती है और ये जो बल्ब है ये 1.5 या 3 वोल्ट पे ये भी जल जाता है। तो 3 वोल्ट पे थोड़ा ज़्यादा जलता है, 1.5 पे कम जलता है। तो देखिए, मैंने एलईडी का जो है पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव में सेल में लगा दिया है और निगेटिव वाला दूसरे सेल के निगेटिव में लगाया है, और दोनों सेल आपस में जोड़ेंगे तो 3 वोल्ट बन जाते हैं, क्योंकि एक सेल जो है 1.5 वोल्ट का होता है और दो सेल जो हैं 3 वोल्ट के हो जाते हैं। तो देखिए एलईडी बिल्कुल भी नहीं जल रही है और दोनों सेल हम आपस में जोड़ रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव वायर भी लगे हुए हैं, लेकिन एलईडी बिल्कुल नहीं जल रही है क्योंकि इसमें करंट बिल्कुल नहीं है और ये सेल जो है बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुके हैं, मतलब ख़राब हो चुके हैं। अब ये देखिए, एक जो है झालर का बल्ब है, इसे हम जोड़ के आपको दिखा रहे हैं इससे कनेक्शन करके। तो एक सिरा इसमें कोई सा भी किधर लगा सकते हैं, फिलामेंट वाला बल्ब है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, कोई सा वायर आप किधर भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने वायर लगाया लेकिन ये जो है नहीं जला। तो इसे अब आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा देते हैं, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी करंट होगा तो मल्टीमीटर शो करेगा, हो सकता है एलईडी और बल्ब जो है ना जले, क्योंकि एलईडी बल्ब थोड़ा बहुत करंट होती है तो नहीं जलती है, लेकिन अगर मीटर से चेक करेंगे तो मल्टीमीटर बताएगा। तो देखिए मैंने निगेटिव वाला सिरा निगेटिव में लगा दिया है और पॉजिटिव वाला सिरा पॉजिटिव में लगा रहे हैं। डीसी 10 वोल्ट पर मैंने मीटर को सेट कर रखा है और जो देखिए बिल्कुल भी सुई जो है इसकी नहीं उठ रही है। तो दूसरा वाला सेल है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें भी सुई बिल्कुल हिल भी नहीं रही है, तो करंट इसमें 0 है, मतलब करंट है ही नहीं, बिल्कुल करंट ख़त्म हो गया है। तो इसे हम चार्ज करेंगे और जैसे नया था वैसे नए की तरह ये जो है कार्य करने लगेंगे दोबारा से ये सेल, और उतने ही टाइम चलेंगे जितना टाइम ये जो है नए सेल चलते हैं। तो एक बार आप दोबारा चार्ज करके इसे यूज कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ये कार्य करते हैं। तो इसके लिए आपको एक चार्जर की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए मोबाइल का चार्जर है और ये आप जो है कोई सा भी मोबाइल का एक चार्जर ले सकते हैं, बस उसकी जो लीड होती है नीचे वाली लीड की लीड हटा देनी है, या कोई आपके पास ऐसा चार्जर पड़ा हो जिसमें लीड ख़राब हो तो उसे काट दें। और उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव दो सिरे ज़रूरत होते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा वायर जोड़ रखा है क्योंकि हमें लंबे वायर की आवश्यकता थी एलईडी वगैरह जलाने के लिए, तो मैंने लंबा वायर इस चार्जर में जोड़ा है। तो इसमें करना क्या है, चार्जर को 220 वोल्ट एसी पे भी लगाएंगे, उसके बाद अभी हम आपको बता रहे हैं। तो बोर्ड हम उठा लेते हैं, 220 वोल्ट एसी का देखिए ये बोर्ड है और इसमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है, इसलिए इसमें लगा देते हैं चार्जर को। देखिए एलईडी जल गई है और चार्जर में करंट आने लगा है। अब ये आउटपुट जो है डीसी वोल्ट हमें मिलते हैं 3.5 से 4 वोल्ट के आसपास चार्जर से, तो इसमें करंट आ रहे हैं। तो पहले हम इसके दोनों वायर को आपस में टच करेंगे तो एलईडी कम ज़्यादा होगी, देखिए कम ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपस में शॉर्ट कर रहे हैं तो सप्लाई जो है शॉर्ट हो रही है, इसलिए एलईडी कम हो रही है इस पर। और इसके बाद अब हम ये एलईडी पैनल भी आपको जला के दिखा रहे हैं। ये थोड़ा देखिए, ये एक वायर इधर बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, एक वायर मैंने निगेटिव में लगा दिया और दूसरा वायर पॉजिटिव में लगाते हैं, थोड़ा सा वायर इधर ज़्यादा लगाते हैं। देखिए दो एलईडी इसमें जल गई है, एक बीच वाली एलईडी जो है इसकी ख़राब है इसलिए वो एलईडी नहीं जल रही है, और बाकी दो एलईडी सही जल रही हैं। तो इसमें 3.5-4 वोल्ट के आसपास करंट आता है, जिससे सेल जो है आसानी से आप चार्ज कर सकते हैं। और चाहे 4 सेल हों चाहे 6 सेल हों, आप 2 सेल एक बार में चार्ज कर सकते हैं या आप एक एक करके सेल को चार्ज कर सकते हैं। तो एक एक करके अगर सेल को चार्ज करें तो आप एक सेल को लगभग उसे 4 मिनट तक लगाएं, मतलब 5 मिनट तक आप लगा सकते हैं आसानी से, और 5 मिनट तक एक सेल लगाएं। अगर आप 2 सेल लगा रहे हैं एक साथ तो करीब 10 मिनट तक लगाएं तो चार्ज हों, क्योंकि जब 2 सेल हो जाएंगे 3 वोल्ट के सेल होते हैं और ये 3.5 से 4 वोल्ट आउटपुट देता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है चार्जिंग में। अगर एक एक करके चार्ज करेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, 2 या 3 या 4 मिनट तक आसानी से आप लगा सकते हैं। तो हम आपको थोड़ी देर लगा के दिखा रहे हैं, अगर 5-5 मिनट लगा के दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर लगाएंगे। ये देखिए मैंने लगा लिया है और उसके बाद थोड़ी देर ये भी लगा के दिखा रहे हैं, जिससे कि ये पता चल जाए कि हम दोबारा से चार्ज कर रहे हैं ये सेल, तो ये चार्ज हो भी रहे हैं कि या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये जो सेल होते हैं एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो दोबारा आप एक बार चार्ज करके यूज में ले सकते हैं, और उतने ही टाइम जो है
आप जैसे घड़ी है या रिमोट है या कोई बच्चे का खिलौना है, किसी में भी आप डाल सकते हैं और आराम से इसका दोबारा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं चार्ज करके, और अच्छा कार्य करता है और जैसे पहले नया होता है नए की तरह ये जो है कार्य करने लगता है। ये भी लगभग सेल मैंने चार्ज कर लिया है थोड़ी देर। अब इसके बाद चलिए हम LED पैनल जो है वो हम आपको जला के दिखा रहे हैं। मैंने देखिए इधर एक वायर लगा दिया, निगेटिव निगेटिव में और पॉजिटिव पॉजिटिव में लगा दिया है, और दोनों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए LED पैनल जो है चलने लगा है और 3 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। थोड़ी सी कम रोशनी इसलिए आ रही है क्योंकि ये LED 3.5-4 वोल्ट पर बहुत अच्छी चलती है, तो इसमें 3 ही वोल्ट मिल रहे हैं क्योंकि एक सेल 1.5 वोल्ट का ही होता है, तो 2 सेल जो है 3 वोल्ट के ही हुए। तो चलिए हम आपको ये झालर वाला बल्ब भी आपको जला के दिखाते हैं। वायर इसमें लगा दिया और दूसरा वायर इसमें लगा देते हैं, कोई सा भी किधर लगा सकते हैं। ये फिलामेंट वाला ये जो है छोटा सा बल्ब है। देखिए इसमें दोनों वायर लगा दिए और सेल को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए मैंने इसमें जोड़ दिया है और ये बल्ब हरा बल्ब है तो हरी रोशनी जो है, ये देखिए बल्ब हरा है तो हरी रोशनी दे रहा है और ये बल्ब भी जल गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है आसानी से सेल को चार्ज कर सकते हैं और अपने प्रयोग में ले सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जो मोबाइल का चार्जर होता है उसी से चार्ज करें और 5 या 10 मिनट से ज़्यादा चार्जिंग ना दें। दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।